और अनदर एंगल 18 डिग्री. इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, ये टेन टू इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18 है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है. इसी तरह से कॉट 90 माइनस टू ए टेन टू ए होगा. तो ये टेन टू ए में जो है लेफ्ट साइड में इसको हम कॉट 90 माइनस टू ए रखेंगे, राइट साइड होगा कॉट ए माइनस 18. तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी 90 माइनस टू ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 18. 18 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 19 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू ए प्लस टू ए, 3a इक्वल टू 108, a इक्वल टू 108 अपॉन 3, दैट इज 36 डिग्रीज. अलाइड एंगल का यूज करके इसको सॉल्व किया हमने. फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट वन. कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री. देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का. कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो ये ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ये ए इज इक्वल टू 38 डिग्री है, बी इज इक्वल टू 52 डिग्री है. तो कॉस ए प्लस बी होगा कॉस 38 प्लस 52, कॉस 90 होगा स्टूडेंट्स. और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है. कॉस 01 होता है बट कॉस 90 जीरो होती है. कॉस 40 प्लस, वन मोर एग्जांपल, कॉस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 30. देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज यस, वेरी गुड. देखो कॉस ये साइन 30 है ना, उसको कॉस 90 माइनस 30 लिखते हैं. कॉस 90 माइनस 30 होगा साइन 30, अलाइड एंगल क्या अकॉर्डिंग टू. तो एक राइट साइड है कॉस 40 प्लस 6, राइट साइड साइन 30 को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 30. तो अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 30. तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60, एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री.
If 15 quaternion equal to 8, then find the value. Sir, आप आपके फोन का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं? सर चेंज हो गया सर ओरिएंटेशन. Okay, find the value. One upon root sec square n minus one. देखिए स्टूडेंट्स, 15 quaternion is equal to 8 है. 8 by 15. 10n equals to 15 by 8. 1 plus 10 square n, अभी इसको सॉल्व करते हैं. 1 plus 10 square theta is equal to 6 square theta. Therefore, 6 square theta minus 1 equals to 10 square theta. तो देखो स्टूडेंट्स, 1 upon root 6 square n minus 1, theta की वैल्यू n है. 1 upon root 10 square n, 1 upon 10 n. इसको quaternion भी लिख सकते हैं. And you know the value of quaternion is 8 by 15. आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसमें, उतना ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे. जो मैथमेटिक्स के नोट्स शेयर किए हैं ऋषिकेश सर ने, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो. यही एलाइड एंगल के बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. If sine theta equals to 5 by 13, then find the value of tan theta and sec theta. Sine theta 5 by 13 है, हमें tan theta and sec theta find करना है students. तो देखिए, you know the identity of sine square theta plus cos square theta equal to 1. ये crash course जो है आपके लिए एक guideline है students. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रिजल्ट आएगा. क्रैश कोर्स से ज्यादा बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको सर. कोई भी सर, tan theta 5 by 12 है. ओके, वेरी गुड. सर sec theta 12 by 13. यस सर, sec theta 12 by 13. 12 by 13 एंड Tan theta 5 by 12.
यहाँ पे 5/13 है तो 1 - 5/13 का स्क्वायर, 1 - 25/169 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आएगा 144/169 तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा आएगा 12/13 तो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos θ दैट इज 13/12 एंड टेन थीटा इक्वल्स टू 1 sin θ/cos θ साइन थीटा है 5/13 एंड कॉस थीटा है 12/13 तो टेन थीटा होगा 5/12 और इसके बाद हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कर सकते हैं। यस वो आइडेंटिटी भी सॉल्व कर सकते हैं एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी सॉल्व करते हैं सर, क्योंकि इसमें मतलब मल्टीपल एडिशन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट से तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूस। यस और एक देखिए स्टूडेंट्स, sec theta upon cos theta into cosec theta upon sin theta into cos theta upon sin theta into tan theta is equal to what? देखिए स्टूडेंट, ये sec theta है अपॉन कॉस थीटा है, कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। ये साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, अभी देखो एक कॉस सेक थीटा को 1/cos θ इंटू कॉस थीटा, कोसेक थीटा को 1/sin θ कोसेक थीटा स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। यस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा ऐसा भी लिख सकते इसको अपन, सेक थीटा इनटू सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा इनटू कोसेक थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इक्वल टू 1 नहीं, इक्वल टू 1 नहीं होगा ये, समेरा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आया था तो वो इक्वली हो गया ना, चलेगा। इक्वल कैसे होगा मतलब सर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हां दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। वी आल्सो वी कैन राइट इट एज cosec square theta upon cos square theta और sec square theta upon sin square theta भी लिख सकते इसको, जो given option है
उसके अकॉर्डिंग टू एबीसीडी में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग टू हम इसको लिख सकते हैं। If sin x equals to minus 1 by 2 and x lies in fourth quadrant, देखिए स्टूडेंट साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू है एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, देन कॉस एक्स इज निश्चित स्वरूप से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करो इसको। कॉस और साइन एंगल सेम है, एक वन बाय टू है तो दूसरा रूट थ्री बाय टू होता है। अभी देखो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस माइनस वन बाय टू का स्क्वायर, वन माइनस थ्री बाय फोर, वन माइनस वन बाय फोर दैट इज थ्री बाय फोर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कॉस स्क्वायर एक्स थ्री बाय फोर है, कॉस एक्स प्लस आर माइनस रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल। तो कॉस एक्स होगा प्लस रूट थ्री बाई, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस एक्स होगा रूट थ्री बाय टू प्लस, वन मोर एग्जाम्पल, इफ टैन थीटा इक्वल्स टू फोर बाय थ्री, ओरिएंटेशन चेंज हो गई, अब सही है, टैन थीटा फोर बाय थ्री है, द वैल्यू ऑफ रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, देखो स्टूडेंट्स रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा से अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या वन प्लस साइन थीटा से करेंगे तो न्यूमरेटर होगा वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन थीटा से करना चाहिए आई थिंक, वन माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर होगा वन माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन
वो ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये होगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जी वन बाय थ्री आंसर है क्या? वन बाय थ्री, यस वन बाय थ्री करेक्ट। सर इसको इतना मतलब आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मतलब अगर हमने ट्रायंगल से कर दिया तो जल्दी हो जाएगा। ओके ओके वैसे भी हो जाता है, ये होगा sec थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा फोर बाय थ्री है तो sec वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस सिक्सटीन बाय नाइन ट्वेंटी फाइव बाय नाइन सेक थीटा होगा फाइव बाय थ्री, फाइव बाय थ्री माइनस फोर बाय थ्री वन बाय ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एक शॉर्टकट मेथड ऐसे भी है स्टूडेंट्स, साइन थीटा निकालो डायरेक्टली, ये पहले सर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लेकर उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस अपॉन वो भी चलेगा सर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फोर बाय थ्री ये फाइव आएगा, ये थीटा तो साइन थीटा फोर बाय फाइव ऐसे भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल से। फोर टेन थीटा है फोर बाय थ्री अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस होगा फाइव, पाइथागोरस थ्योरम से तो साइन थीटा फोर बाय फाइव होगा, तो डायरेक्टली आप वन माइनस साइन थीटा दीजिए वन माइनस फोर फाइव अपॉन वन प्लस फोर बाय फाइव, दैट इज फाइव माइनस फोर बाय फाइव अपॉन फाइव प्लस फोर बाय फाइव। It is 1 by 5 into 5 by 9. That is root 1 by 9 is 1 by 3. ऐसे भी इसको सॉल्व करते हैं इसको। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, रूट सेक एक्स माइनस टेन एक्स
अपॉन sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x माइनस tan x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sec x माइनस tan x है अपॉन sec x प्लस tan x गिवन है sec x माइनस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा sec x माइनस tan x होल स्क्वायर रूट में अपॉन इस x स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x तो sec theta माइनस tan x sec x माइनस tan x यस ये डिनोमिनेटर वन होगा sec x माइनस tan x होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा दैट इज sec x माइनस tan x ओके स्टूडेंट्स कल एलसीएम एंड एचसीएफ देखेंगे हेलो सर हाँ बोलिए यस सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया है ये डिनोमिनेटर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 होगी ओके ओके सर हाँ और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स ओके सर गॉट थैंक यू गुड नाइट थैंक यू सर वेलकम बेस्ट ऑफ लक सर यस सर आप परसेंटेज से रिलेटेड एग्जांपल्स कब लोगे परसेंटेज क्या हाँ सर यस टुमारो थर्सडे को लेंगे थर्सडे ओके सर थैंक यू सर वेलकम सर यस सर आप इसके सारे फोटोज निकल ग्रुप पे भेज सकते हैं क्या हाँ भेज देंगे यस थैंक यू सर ओके वेलकम थैंक यू